नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सीसीटीवी कैमरे से किया जा रहा है निगरानी। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बिस्कोह पश्चिम टोले की बात करते हैं, जहां कई वर्षों से वहां की महिलाएं देह व्यापार से संलिप्त थी। महिलाएं अपनी जीविका देह व्यापार से चलाती हैं। वही 11 जनवरी 2019 को उप जिलाधिकारी इटवा त्रिभुवन प्रसाद के द्वारा वहाँ की गरिकाओं को देह व्यापार से अलग होने के लिए शपथ दिलाया था तथा उन्हें सरकारी योजनाओं से होने वाले हर सुविधाओं का आश्वासन भी दिया था, जिससे वहाँ की महिलाओं ने देह व्यापार बंद करने की बात मन में ठान लिया था। लेकिन जब उन्हें किसी प्रकार का जब कोई लाभ नहीं हुआ तो वहाँ की गरिकाएं फिर अपने उसी काम से संलिप्त हो गई, जिसको देखते हुए त्रिलोकपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में बिस्कोहर पश्चिम टोले में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, जहां अब लोगों को बाहर से गरिकाओं के बीच में जाना मुश्किल हो गया। पेशे सिद्धार्थनगर से बचेंगे प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? आपके नाव का है? नाम कौन है? बिस्कोहर। आपके पास घर नहीं है? भैया प्रधान जी से आपने कहा था? प्रधान जी से आप कहे हो कि घर पे आए? प्रधान है तो प्रधान जी कहो कहे? अरे प्रधान जी कहे जे भाई सहारा हो का, अब कहीं नहीं बाबू दे दे है तो भला, ना दे है तो भला, गलत कहते है। राशन कार्ड में आपका नाम है? हाँ। राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। एक यूनिट पर कितना किलो राशन मिल रहा है? जब फ्री बटर था तब 2 किलो चावल दिया था, 3 किलो गेहूँ। अच्छा, जब पैसा से मिलता है? जब पैसा का बड़ा था 10 किलो चौड़ा रहा था और 20 किलो गेहूँ। क्या यूनिट है? एक मिनट, पप्पू। गाँव कौन सा है? दलपतपुर। और आप का घर यही है? देखिए आपके घर जो है टूटा फूटा है, जो है पतरा लगा है। आप गरीब परिवार से हैं, कभी अपने प्रधान से आवास के लिए कहा था? प्रधान ने क्या कहा? प्रधान लिख के भेजी ना लड़कों नाव से। अच्छा अच्छा, लड़कों नाव से। नहीं, जैसे आपने कहा कि घर आपका दलपतपुर है और ये पश्चिम टोला है, दलपतपुर में लागत आधा दलपतपुर। आपको शौचालय मिला था? कहाँ बना है आपको शौचालय? कुछ अच्छा अंदर। नाम क्या है? अनामीना सर। गांव का जगह कौन सा है? ये तो वही है सर जो आप जानते होंगे, पश्चिम टोला बिस्कोहर पर। हाँ। जैसे आपके पास घर नहीं है? घर नहीं है। आपने प्रधान से कहा है कि जो है? अरे प्रधान सब लिख पढ़ ले गया रहा। अच्छा, कितने बार प्रधान जी ने आपको आश्वासन दिया कि आपको अब घर मिल जाएगा, अब घर मिल जाएगा? अब यही आप कहा था प्रधान जी। अच्छा अच्छा। हाँ, केवल केवल आपको आश्वासन मिला कि आपको घर मिलेगा, लेकिन मिला नहीं? हाँ, अभी नहीं मिला सर। हमारा नाम रमजानी है, बिस्कोहर की रहने वाली हूँ, पश्चिम टोला की। जैसे अभी आपने कुछ जो है जिक्र किया था, यहाँ जो है पहले कुछ दिन पूर्व जो है उप जिलाधिकारी महोदय ने जो है यहाँ जो है बिस्कोहर पश्चिम टोले को गोद लिया। हाँ। यहाँ जो है एसडीएम साहब द्वारा अभी तक आप लोग को क्या क्या सुविधा मुहैया कराया? कुछ नहीं सुविधा मिला साहेब, राशन कार्ड मिला, शौचालय आवास, शौचालय केवल मिला है। अच्छा, और कुछ नहीं। राशन कार्ड बहुत पहले से बना था, वही राशन मिल रहा है। अच्छा, आवास नहीं? आवास नहीं मिला है किसी को। आवास का कागज वागज सब प्रधान को दिया गया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? हाँ, कह रहे हैं आया है, आया है, अब पता नहीं कहाँ आया है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है, आश्वासन ही रहा। हाँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो है हमारे लड़के को एसिड फेंका गया था? हाँ, हमारे हमारी नतनी है, महक नाम की लड़की है, हम उसकी नानी हैं। उसकी माँ भी अभी 3 जुलाई को एक्सपायर हो गई है। अब जो कुछ पैसा कौड़ी था वो सब उसी में PGI लखनऊ में भर्ती किए थे, वहीं हुआ है इलाज। एसिड किसने फेंका था वो कुछ पता ही नहीं चला। कितना दिन हो गया? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया? हाँ, 3 साल हो गया। सरकार के महकमे के किसी लोगों ने कहा था कि आपको जो हम सरकारी धन मुहैया करवाएंगे? सब यहाँ के दरोगा जी कहे थे, बड़े साहेब तिलोकपुर के, तो कुछ नहीं मिला, कोई पैसा कौड़ी नहीं मिला। अच्छा अच्छा। हाँ, दूसरे लोग बंद हो गए थे, वही लोग 75,000 रुपया हम लोगों को दिए थे,
और उसके बाद में कोई सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला। अभी तक जो पैसा हम लगा रहे हैं वो अपने पास से लगा रहे हैं। अब यहाँ खुद भूखे मर रहे हैं तो कहाँ से इलाज कराएं और कहाँ से सर्जरी कराएं, कहाँ से कान का ऑपरेशन कराएं, जब हम लोग खुद ही भूखे मर रहे हैं। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम उपवास करते हैं, तो कहाँ से पैसा लेकर आएं।